पहले आप परसों बताया था कि मटेरियल हमारे पास में जो होता है वो मटेरियल इन व्हाट फॉर्म वी गेट द मटेरियल टू प्रोसेस फर्दर, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल, टोटली रॉ मटेरियल। पाउडर मेटलर्जी का काम करना है तो पाउडर आ गया, जिस किसी भी का है, प्लास्टिक का है, किसी का भी है, और उसको मेल्ट करने का है, फिर बाद में उसको डाइस के अंदर डालने का है, उसके बाद में उसको मटेरियल में कन्वर्ट करने का, पाइप बनाने का, ये सब आजकल जितने भी आइटम आ रहे हैं प्लास्टिक के, ये सब। कभी कभी क्या होता है कि हम सिर्फ सेमी फिनिश मटेरियल को चूज करते हैं, मटेरियल उसको फाइनल शेप देने, फुली फिनिश मटेरियल मिल रहा है, मैं असेंबली में हूँ तो अलग अलग जगह से आइटम मैंने परचेज किए और उनकी असेंबली बनाई और डिस्पैच कर दिया। तो हम ये देखते हैं कि मटेरियल हमारे पास में किस फॉर्म में आया, हाउ टू कन्वर्ट ए मटेरियल इनटू ए डिजायर्ड शेप इफ देर इज ए नेसेसिटी ऑफ रिमूविंग द मटेरियल, मटेरियल हमें रिमूव करने का है। तो इसके लिए देखिए आप क्या क्या, जैसे आपको बताया गया था, ये देखिए आप, या आपको ट्रांसपेरेंसी दिख रही है, ये शीट दिख रही है, हेलो कैन एनीवन आंसर, यस सर दिख रही है सर, है शीट दिख रही है ना, हाँ सर दिख रही है, हाँ ठीक है। तो अभी कल आपको जैसा बताया था कि नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड क्यों हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि कन्वेंशनल मेथड्स बिकेम अनयूजफुल, हमको जो है काम नहीं कर पा रहे थे उसके ऊपर, विद द प्रीवियस मेथड और अर्लियर मेथड्स और कन्वेंशनल मेथड्स आइदर देयर वाज नो रिमूवल ऑफ द मटेरियल एट ऑल, टू मच हीट वाज जनरेटिंग, टूल ब्लंटिंग वाज मोर फ्रिक्वेंट, यू आर नॉट गेटिंग द प्रॉपर फिनिश, प्रॉपर डायमेंशनिंग, एंड समटाइम्स द इफेक्टिव वाज टोटली, द टूल वाज टोटली इन इफेक्टिव ऑन दोज मटीरियल्स बिकॉज ऑफ द रिसेंट द लेटेस्ट डेवलप्ड मटीरियल्स, इसके कारण हम जो इसके ऊपर कोई काम नहीं कर पा रहे थे। तो कितने तरीके के मेथड होते हैं, yesterday I told you there are three categories of machining, first one is the thermal or electrical, thermal method से करने का है, electrical से करने का है, और thermoelectrical process, thermoelectric process में क्या है, पहला electric discharge machining EDM, electron beam machining EBM, plasma arc machining PAM, लेजर बीम मशीनिंग LBM, आयरन बीम मशीनिंग IBM। बार बार आपसे कह रहा हूं कि ये शॉर्ट फॉर्म जो है इनको याद करके रखें, आप रट के रखें, एग्जाम में वो कहेगा एक्सप्लेन EDM इन डिटेल, वो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग नहीं लिखेगा, तो आपको पता होना चाहिए EDM क्या है, EBM क्या है, PM क्या है। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, नेक्स्ट कैटेगरी क्या है इसकी, नेक्स्ट कैटेगरी जो है हमारी वो है मैकेनिकल एनर्जी, व्हेन वी आर यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी
टू कन्वर्ट दिस मटेरियल रॉ मटेरियल ऑफ सेमी फिनिश्ड मटेरियल इनटू डिजायर्ड शेप अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एब्रेसिव जेट मशीन एंड व्हाट फॉर्म ऑफ एनर्जी वी आर यूजिंग हियर मैकेनिकल एनर्जी प्योरली मैकेनिकल नो इलेक्ट्रिकल हीटिंग नो केमिकल एप्लीकेशन हियर केमिकल्स एप्लीकेशन है ना कुछ नहीं है सिर्फ केमिकल है इसमें क्या क्या है केमिकल वाले में अल्ट्रासोनिक मशीनिंग और एब्रेसिव मशीन अल्ट्रासोनिक के अंदर हम जो है इलेक्ट्रिसिटी को यूज कर रहे हैं वो क्रिएट करने के लिए पल्सेस को उस टूल के और वर्क पीस के बीच में इलेक्ट्रिसिटी का कोई रोल नहीं है ध्यान दें यहां पर देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस जबकि इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग एंड केमिकल मशीन में ईसीएम के अंदर ईसीजी के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग के अंदर इलेक्ट्रो मशीनिंग के अंदर इलेक्ट्रोकेमिकल डिबरिंग के अंदर इलेक्ट्रिकल होनिंग के अंदर इन सब के अंदर इलेक्ट्रिसिटी टूल के और वर्क पीस के बीच में एक्शन ले रही है कुछ न कुछ उसका जो है एक्शन हो रहा है तो इससे कंफ्यूज नहीं होने का है कोई अगर पूछे इंटरव्यू में वायवा में कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है क्या इसको हम इलेक्ट्रो उसमें क्यों नहीं लेते इलेक्ट्रो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग नहीं बिकॉज इन बिटवीन द टूल एंड द वर्क पीस देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली करंट फ्लो नहीं हो रहा है दोनों के बीच में करंट फ्लो नहीं हो रहा है और तीसरी कैटेगरी है इलेक्ट्रिसिटी का जिसमें इन्वॉल्व है वर्क पीस और टूल के बीच में तो वो कौन कौन से मेथड है चार तो इसी में इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग इलेक्ट्रोकेमिकल डिबरिंग इलेक्ट्रोकेमिकल होनिंग ये चार है और एक केमिकल मशीन यस्टरडे आई टॉट दिस केमिकल मशीनिंग अगेन अब ये मेथड्स हैं ये दो हमने पढ़ लिए अब आपका यूनिट थ्री जो है यूनिट थ्री ये उसका आपका सिलेबस है व्हाट इज इंक्लूडेड इन दिस इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग ईडीएम एंड इन दिस यूनिट दिस इज इन डिटेल स्पार्क इरोजन मैकेनिकल मैकेनिक्स ऑफ मेटल रिमूवल स्पार्क इरोजन रजिस्टर जनरेटर इलेक्ट्रोड फीड कंट्रोल वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रोड सिस्टम डाई इलेक्ट्रिक फ्लूड फ्लशिंग ऑफ वाट फ्लशिंग ऑफ द रिमूव्ड मटेरियल वो कैसे बाहर निकलेगा एंड दिस फ्लशिंग ऑल्सो हेल्प्स इन कूलिंग द वर्क पीस इन द टूल साइमल्टेनियसली दोनों को ठंडा भी कर रहा है उसके बाद में एक्यूरेसी हमको क्या एक्यूरेसी मिलती है सारा खेल जैसे पहले बताया था आपको एक चार्ट है अलग अलग मेथड से हमको कितनी एक्यूरेसी मिलती है फिनिश कितनी मिलती है रफनेस कितनी मिलती है एमआरआर किसका कम ज्यादा है इलेक्ट्रिसिटी किसमें ज्यादा कंज्यूम होती है चीप कौन सा पड़ता है कॉस्टली कौन सा पड़ता है इसका कंपेरेटिव स्टेटमेंट फिर ऑन विच टाइप ऑफ मटेरियल दिस प्रोसेस आर एप्लीकेबल हर टेक्निक को हम हर मटेरियल के ऊपर यूज नहीं कर सकते EDM, इसके बाद में है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का क्या मतलब है प्लाज्मा आर्क मशीनिंग का मतलब है नॉन थर्मल जनरेशन ऑफ प्लाज्मा थर्मल इफेक्ट से क्या होगा और नॉन थर्मल से क्या होगा मैन विल गो फॉर दिस चैप्टर विल डिस्कस थरोली देयर देन मैकेनिज्म and parameters of this PEM and what sorts of equipments we are using for this PEM. PEM के ऊपर भी short note आता है. Electron beam machining, same way, generation and control of the electron beam, theory and process capabilities, neutral particle etching, ये सब चीजें electron beam का हिस्सा है.
लेजर बीम मशीनिंग, लेजर आपने देखा होगा जैसे केमोथेरेपी होती है, या जेम्स वन की मूवी में आपने देखा होगा डोर को काटने का है, कहीं किसी को काटने का है, वो लिया जो है टैंक को काट रहा है तो हीरो की कार को काट रहा है, लेजर बीम कटिंग के काम में आती है। और लेजर किस काम में आती है, बड़े बड़े शोज होते हैं रात को, लेजर से जो है पूरा पूरा डायग्राम बना देते हैं, लिखा हुआ आ जाता है। तो लेजर जो है वो मल्टी यूज के अंदर आ रही है आजकल, उसी में से एक कि क्या हम इसको स्ट्राइक करके किसी मटेरियल के ऊपर उसकी इंटेंसिटी बढ़ाकर, उसका कुछ और करेक्टरिस्टिक बढ़ाकर, क्या हम उसको मेटल रिमूवल के काम में ले सकते हैं। एंड लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट इट इज आल्सो हेल्पिंग इन रिमूविंग द मटेरियल, तो हमने इसको भी ऐड कर दिया। जितनी भी प्रोसेसेस हैं, फ्रॉम द बिगिनिंग इटसेल्फ आई एम टेलिंग यू दैट मोस्ट ऑफ द टेक्निक्स वर नॉट डिजाइन्ड टू मशीन द कंपोनेंट्स, दोज वर इन्वेंटेड और बाय चांस दे वर इन्वेंटेड और डेवलप्ड बाय चांस, लकीली बाय एक्सीडेंट, एंड लेटर ऑन दोज वर यूज्ड इन मेटल रिमूवर, पहले इस काम के लिए नहीं किया गया था, बाद में हम इसको यूज भी करने लग गए मशीनिंग के लिए। बहुत सारी सारी टेक्निकें करीब करीब इसी फंडे की है। नेक्स्ट अब हम आते हैं कि ईडीएम, ईडीएम क्या है, ईडीएम इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग। जैसे आपको बताया था केमिकल मशीनिंग के बारे में, हाउ ओल्ड दैट टेक्निक इज, मोर देन 4,500 years, 1950 के बाद, जनरली 1950 के बाद में ही सारी टेक्निकों का एक तरीके से प्रादुर्भाव हुआ, फिर से उनको जो है डिगिंग रीडिगिंग करके जो है उनको उनकी एफिशिएंसी बढ़ाई गई, उनकी एप्लीकेबिलिटी बढ़ाई गई, उनके यूजेस बढ़ाए गए, जो लिमिटेशंस थे उनको डेवलप कर करके उनको जो है नए नए डेवलपमेंट से उनको नलीफाई किया गया, तो नई नई टेक्निक्स बनी। सेम वे दिस इलेक्ट्रो डिस्चार्ज मशीनिंग जो है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीन 1766 जब से बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का जो है इन्वेंशन हुआ, जब से वो फैराडे ने जो है उसको दिमाग लगाया और फिर बाद में सेल बना, और ये चीज देखी गई कि अगर दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, अगर कॉन्टेक्ट लूज है या कॉन्टेक्ट ब्रेक हो रहा है और सफिशियंट गैप नहीं है तो वहां पर स्पार्क स्टार्ट हो जाता है। कैसे पता चला कि पूरी शीट के ऊपर एक वो किसी ने बड़ा इलेक्ट्रोड का प्लेट रख दी थी, बाद में देखा लेवलिंग बराबर नहीं थी 100%, तो वहां स्पार्क होने लगा और वहां पर पैचेज आ गए, डी कलरिंग ऑफ द सरफेस ऑफ द वर्क पीस बिकॉज ऑफ डिफरेंट टेम्परेचर हीटिंग, अलग अलग कलर उसके ऊपर आए, और जहां जहां स्पार्क ज्यादा हुआ था वहां पर एक तरीके से ऐसा लगा कि मटेरियल यहां से चिप ऑफ हुआ है या डिगिंग हुआ है। ये कब पता चला, 1766 के अंदर, कि ये एयर गैप के कारण स्ट्राइक होता है, स्पार्क होता है, हिटिंग होती है। 1950 तक कुछ नहीं किया गया, ये 1950 बार बार 1945 क्यों आ रहा है, मैं आपके जीके के लिए बड़ा बताता हूं। मैं फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारी कब हुई थी, 11 से 15 के बीच में, सेकंड वर्ल्ड वार 39 से 44 तक चली। दुनिया भर का जितने भी मटेरियल बनते थे सब 10-10, 15-15, 20-20 देश आपस में लड़ रहे थे, तो सारी की सारी चीजें, चाहे कपड़ा हो, चाहे चप्पल हो, चाहे जूते हो, चाहे खाने का सामान हो, चाहे बाल्टी बन रही हो, चाहे मग्गे बन रहे हो, चाहे सुई बन रही हो, सब का सब आर्मी में जाता था। प्रोडक्शन रेट बढ़ रहा था, इसके कारण क्या है कि अर्जेंसी के अंदर घटिया माल बन रहा था, और जब नहीं चला फ्रंट के ऊपर तो या तो सैनिक मर रहे थे और कुछ नहीं होता था, काम नहीं दिया बस। तो 1940 से
1940 से इस चीज के ऊपर, क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर, प्रोसेस इंप्रूवमेंट के ऊपर, प्रोसेस रिफाइनमेंट के ऊपर काम स्टार्ट हुए, क्योंकि बल्क में वहां पर प्रोडक्शन चाहिए होता था, बल्क में आइटम की रिक्वायरमेंट थी। तो दुनिया भर की जितनी भी प्रैक्टिसेस, नई थ्योरियां आई हैं, चाहे वो सैंपलिंग प्लान की हो, चाहे जितने भी ये एक्सपेरिमेंटेशन की हो, ये डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट की हो, और जितने भी क्वालिटी कंट्रोल के कंसेप्ट हैं, सारे के सारे कंट्रोल चार्ट से सब के सब कहाँ डेवलप हुए, इसी ड्यूरेशन के अंदर। तो 1950 तक आते आते इस 1766 वाली प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट की सोची गई। अब भैया ये मत करो यार, मेरे को इसको सुधारना आता है, हैं? ये अब नहीं करना भैया, हैं? जो चीजें बता रहा हूं ये 10 किताब पढ़ोगे तब आपके सुनने में आएगा। इसके बाद 1955 तक आते आते EDM इलेक्ट्रिक रिसर्च मशीनिंग का जो है समझ में आ गया, इस प्रोसेस को वाइडली यूज करना स्टार्ट कर दिया। कंडीशन क्या थी इसमें, प्रॉब्लम क्या थी, हम टूल को मूव नहीं कर सकते थे, क्या सेटिंग हमारी होनी चाहिए, करंट जो कनेक्टिव वो जो है ट्रिपिंग वो नहीं हो पा रही थी ठीक तरीके से, तो जो हम डायमेंशन चाहते थे, जो एक्यूरेसी चाहते थे वो नहीं मिल पा रही। तब क्या हुआ इसके अंदर के उसके बाद में 1955 के अंदर, 1955 के अंदर सेमीकंडक्टर जो है डेवलप हुए। तो सेमीकंडक्टर से हमको जो है पल्स जनरेट करने में और उसकी फ्रीक्वेंसी में और दूसरी और इलेक्ट्रिकल जो है रिक्वायरमेंट को जो है एडजस्ट करने में या कंट्रोल करने में उससे फायदा मिला। 1960 तक आते आते इसको जो है डाई सिंकिंग मशीन, मतलब जो है प्रोसेस में कन्वर्ट कर दिया गया, नाम दिया कि वो जैसे जिग्स और फिक्चर बनाने के हैं, बिल जिग बनाने का है, तो वहां पर हमको डाई सिंकिंग बहुत बारीक बारीक होल करने के या बहुत ही छोटे छोटे काम करने के हैं, तो वहां पर ये डाई सिंकिंग मशीन हमारी जो है काम में आती थी। उसके बाद में न्यूमेरिकल कंट्रोल जब से आया, पहले मैनुअल होता था, इतना कंट्रोल नहीं होता था, ट्रिपिंग ज्यादा होती थी। न्यूमेरिकल कंट्रोल के आने से क्या हो गया, वही कार्ड रीडर वगैरह और इन्हीं की तरह ये थोड़ी बहुत हमको एक्यूरेसी मेंटेन करना आ गया। 1970 तक अगले 10 सालों के अंदर मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज ऑफ CNC, फाइन मूवमेंट ऑफ द टूल, वो हम इसको कंट्रोल करना सीख गए। जब कंट्रोल से ऑपरेट होने लगा, तब कितनी भी एक्यूरेसी का जॉब हो, अगर मशीनिंग की लिमिटेशन नहीं है, टूल के कॉन्फ़िगरेशन की अगर लिमिटेशन नहीं है, तो हम हर तरीके की इसमें कॉन्फ़िगरेशन, डिजाइन या जो शेप जो है जैसा भी है वो सब इस पर बना सकते हैं। ये आपका EDM जो है, ये देखिए आप कि इसकी जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी और कहाँ तक जा रही है, ये कैसे स्टार्ट हुआ। इलेक्ट्रिसिटी फैराडे ने झटका खा के जो है दिमाग लगाया और आज हम कहाँ पर आ गए, मोबाइल है, TV है, इंटरनेट है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेट करते थे, स्टोर करना सीखा बैटरी से, बड़ी बड़ी बैटरी होती थी जैसे ट्रकों की आपने देखी है, अब छोटी छोटी मोबाइल के अंदर आने लग गई और भी छोटी होने लग गई, और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बन रहे हैं, पहले ये था कि चार्ज होने में 10 घंटे लगेंगे, 12 घंटे लगेंगे मैक्सिमम, वी कैन गो और ड्राइव आवर व्हीकल फॉर 40 किलोमीटर और 16 किलोमीटर। लास्ट वीक न्यूज that within half an hour we can charge the vehicle or that battery, special type of battery
which can go even up to 400 kilometers. और जितने भी ये सैटेलाइट जाते हैं उस समय बैटरी क्या है, बैटरी का ही कमाल है, ये तो हमारा सैटेलाइट नहीं चल पाता, इलेक्ट्रिसिटी का ही कमाल है। अब हम जो है, और आपको बताने का है, एक मिनट, हाँ भाई, तो मंडे को आपका टेस्ट है यूनिट 1 और यूनिट 2 का, असाइनमेंट आपको ट्यूटोरियल देने के हैं मंडे को, और लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं, ठीक, ओके भाई। थैंक यू सर, थैंक यू।